सबसे पहले हम माइक्रोनी ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक दोस्तों अब इसके लिए माइक्रोनी के पानी गर्म कर रहे हैं दोस्तों, और पानी में नमक डाला दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमें पानी को गर्म कर लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप थोड़ा साफ दिखाई दे रहा होगा, मेरे घर में लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, हम बात करी है भैया। तो दोस्तों अब हमारा पानी गर्म होने वाला है, अब इसमें हम माइक्रोवेव डालेंगे दोस्तों। इधर दोस्तों हम माइक्रोवेव डालने वाले हैं, इधर दोस्तों हमने माइक्रोवेव डाल दिए। अब हमारे माइक्रोवेव दोस्तों आपको थोड़ा कढ़ाई में मेहनत करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी दोस्तों, ये मन दोस्तों ये चिपक भी जाती है, ठीक है। और वैसे आप चाहें तो थोड़ा तेल लगा लें दोस्तों, तेल से थोड़ी कम चिपकती है और कुछ नहीं, बाकी हमने तेल डाला नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारी खुद की रेसिपी दोस्तों एकदम जानदार वजनदार और शानदार बनेगी दोस्तों। थोड़ा चला लें दोस्तों इसे, हैं हमारे माइक्रोवेव बल रही, हमने इसे ढक दिया, आपको इसे ढक लेनी है दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों आपको बीच बीच में इसे हिला लेनी माइक्रोवेव दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइक्रोवेव दोस्तों कढ़ाई में चिपक जाती है, तो बड़ी बात नहीं है। तो आपको बीच बीच में इसे थाली उठाकर उबालते समय इसे हिला लेना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो और ये अच्छे से उबल रही दोस्तों, धुआं निकलता आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बस ये उबलने वाली दोस्तों, ये अब उबल गई है, मेरा अंदाज भी चेक करते हैं दोस्तों भैया। देखो दोस्तों ये उबल गई टन और टन दोस्तों, देखो दोस्तों ये उबल चुकी है बढ़िया से, ठीक है दोस्तों। अभी से हम गैस बंद कर रहे हैं, ये उबल गए दोस्तों, टंच एक नंबर प्लम। ये देखो दोस्तों हमारी माइक्रोवेव अच्छे से उबल गई दोस्तों, आपको इसकी चमक देख के समझ में आ गया होगा दोस्तों कितनी बेहतरीन उबली दोस्तों, आपको भी इसे ऐसे उबाल लेना है। ओके दोस्तों देखो दोस्तों टन चुबली है बिल्कुल, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे दोस्तों, जान लिया आप तेल हम गर्म कर रहे हैं पहले। देखो दोस्तों ये हमने प्याज काट लिया है और लहसुन को हम सिलबट्टे में कूट रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और हमने मसाले भी खोल लिए हैं। देखो दोस्तों हमने तेल में जीरा और लहसुन डाला है, अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं दोस्तों। ये दोस्तों तड़का दोस्तों गर्म तेल में लगाया जाता है, ध्यान रखना इसे, ठंडे तेल में कुछ नहीं होता दोस्तों, स्वाद खराब होता है दोस्तों। अब हमें प्याज को ऐसे ब्राउन कर लेना है इसी तेल में, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों हमें हमने मिर्ची काट ली थोड़ी दोस्तों, और हम टमाटर काट रहे दोस्तों ऐसे, ये दोस्तों हम टमाटर भी काट रहे हैं, और हम इसमें हम डाल रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों टमाटर हमने डाल दिए, अभी हम इसे चलाएंगे दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे पहले नमक दोस्तों, ये हमने डाला नमक, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, ये है दोस्तों गरम मसाला, फिर डाल रहे हैं पिसा हुआ धनिया, और डाले में लाल मिर्च दोस्तों, ये दोस्तों हमें लाल मिर्च डाल दिए, और हम इसमें डालने जा रहे हैं दोस्तों अजीना मोटो, ये दोस्तों हम इसमें डाल रहे हैं अजीना मोटो, डालो तो अजीना में डाल दिया दोस्तों, और ये दिखाते हैं ये रहा अजीना मोटो, हमने डाल दिया है। अब इसके बाद डाल रहे हैं दोस्तों मैगी मसाला, ये तो दोस्तों ये है मैगी मसाला हमारा, डालो ये हमने डाला मैगी मसाला दोस्तों। तो मैगी मसाले बहुत स्वाद बनता है, ठीक है दोस्तों। अभी से हम ऐसे भूज लेंगे 5 से 7 मिनट दोस्तों, दोस्तों
तो हमने माइक्रोवेव डाल दिया कढ़ाई में, तड़के में हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब सर जो दोस्तों कलर आएगा ना वैसे आप देख के समझ जाओगे दोस्तों। दोस्तों बनाते रहते कई प्रोसेस हैं मगर मैं आपको ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ। तो ये प्रोसेस दोस्तों इजी है, आप घर में बैठे बैठे आराम से बना सकते हैं, वरना आप इसे मोमो चटनी में ऐड कर लो दोस्तों, मगर दोस्तों दिक्कत वाला काम है, थोड़ा समय लगाने वाला, जो सर दोस्तों एंड में रिजल्ट देने वाला काम है, इससे एंड में रिजल्ट आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। कितनी डिलीशियस बनी है ये, पूरा प्रोसेस तैयार हो गया दोस्तों। ऐसे ही बनते हैं माइक्रोवेव दोस्तों, ठीक है, एक नंबर की माइक्रोवेव बनी है और टेस्टी डिलीशियस दोस्तों। आप ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आपको अगर सिर्फ स्टीम मोमोज बनाकर ही खाने हैं तो आप सिर्फ इसमें नमक लगाएं, क्योंकि उसमें स्टीम सही हो जाता है, और अगर आप इसमें फ्राई मोमोज खाना चाहते हैं, इसका टेस्ट लेना चाहते हैं अच्छा खासा, तो इसमें अजीनोमोटो डालें, वो भी पीस करके एक किलो मैदा में 50 ग्राम अजीनोमोटो ज़रूर डालें, आपका मोमोज एक नंबर का स्वाद आएगा। अब देखिए आप कि कैसे कैसे मैदा लगा रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से मैदा लगानी है ताकि मैदा अच्छे से लग जाए। ये देखो दोस्तों, फिर ऐसे टेढ़ी तोड़ी जाती है मोमोज की, ये देखो दोस्तों ऐसे मैदा मिलाई जाती है ताकि टेढ़ी तोड़ी चिपके ना। देखो दोस्तों ये छोटी छोटी टेढ़ी तोड़ ली जाती है आराम से। ये देखिए दोस्तों, मैदा लगा लिया है हम लोगों ने मोमोज की, अब इसे एक पन्नी में रख देंगे, अब इसे एक पन्नी में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, इसे आधा घंटा पन्नी में रख देंगे डालकर अच्छे से सील पैक करके। देखो सील पैक करके मैदा हमने पन्नी में डाल दिया है। देखो दोस्तों, अब हम माइक्रोन मोमोज की हम स्टफिंग कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों हाथ आगे दोस्तों, मोमोज के हम स्टफिंग कर रहे हैं, माइक्रोनी मोमोज बना रहे हैं दोस्तों। दोस्तों स्टफिंग हो रही है हमारी अच्छे से। ये हमारी स्टफिंग हो गई, लास्ट मोमोज गई है हमारा, और ये देखो दोस्तों हमारी बन गई है, ये हमारी स्टफिंग कंप्लीट। अब हम अपने मोमोज को स्टीम करेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हमने स्टीम करने के रख दिए मोमोज, ये हमने गैस जला दी, हमें स्टीमर में पानी डाल दिया दोस्तों। देखो हिला के दिखाता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा से। ये देखो स्टीम हो गए, हम स्टीम रख रहे हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम स्टीम करने के मोमोज को रख रहे हैं अपने, ये देखो दोस्तों, ये हमने स्टीम मोमोज रखने के लिए नहीं रख दिए।
बंद कर रहे हैं, हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे हम दोस्तों चेक कर रहे हैं स्टीम मोमोज हुए नहीं हुए, अगर फूल गए होंगे दोस्तों हो गए होंगे स्टीम मोमोज। ठीक है दोस्तों, हमारे स्टीम मोमोज रेडी हो गए हैं दोस्तों बिल्कुल, हम इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों हमने पलट लजीज मोमोज बने दोस्तों, एक नंबर के चेफ फिनिशिंग आई दोस्तों, चमक रहे होंगे आपको देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितने लजीज मोमोज बने दोस्तों, ये सोया मोमोज हमारे तैयार हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने लजीज मोमोज बने दोस्तों, ये सोया मोमोज हमारे तैयार हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे सोयाबीन मोमोज फ्राई, तो माइक्रोनी मोमोज दोस्तों सोयाबीन बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने निकाल रहे हैं, ये देखो दोस्तों ये हमारे मोमोज तैयार हो गए दोस्तों फ्राई। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको सिर्फ ये सब काम भी करना, एक काम और करना है खास, आपको मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आ रही हो तो मेरी वीडियो को कमेंट जरूर करके मुझे बताइए कि मेरे से क्या गलती हुई दोस्तों। ठीक है।